नमस्कार साथियों, पिछले दिनों हमने ये बताया कि खतौनी को कैसे पढ़ा जाए, तो अनेक साथियों ने ये कहा कि उन्हें नक्शा कैसे देखा जाए या चक का नक्शा कैसे बनता है और उससे फाइनल मैप कैसे बनता है वो भी समझना चाहते हैं। तो इसी कड़ी में आज ये वीडियो है आप लोगों के सामने कि भूचित्र को कैसे देखा जाए, कैसे समझा जाए, चक सृजन के बारे में क्या होता है और भूचित्र पे कुछ रंग होते हैं उनका क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले मैं आपको भूचित्र एक दिखाता हूँ जो कि चक भूचित्र है, और इस भूचित्र को जब आप देखेंगे तो ये देखें, ये एक बड़े गांव का नक्शा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सामान्यतया क्या होता है कि किसी भी नक्शे पे जो नंबर प्रारंभ किए जाते हैं वो नॉर्थ वेस्ट से शुरू करते हैं और समाप्त जो होते हैं वो साउथ ईस्ट में जा कर के होते हैं। नक्शे को कैसे देखें, देखिए ये जो नक्शे पे ये बने हुए हैं, लाइन बनी हुई है, एक लाइन ये बनी है, एक लाइन ये बनी हुई है, इनको सामान्यतः सिहद्दा कहा जाता है। सिहद्दा का मतलब कि जैसे ये गांव अगर बड़दा कासमपुर है तो इसकी ये सीमा दूसरे गांव गूदड़पुर से मिल रही है, इसी तरीके से एक सिहद्दा ये हो गया और दूसरा सिहद्दा ये हो गया, तो ये सीमा इस ग्राम की वो दूसरे गांव सहजनपुर इलाका बुधौली से लग रही है। इसी तरीके से सिहद्दा ये हो गया, ये सीमा जो है इस गांव की सहजनपुर पट्टी कटरा से मिल रही है। ये जो लाइन पड़ी होती है वो सरहद को दिखाती है कि इस जगह पे किसी गांव की सरहद छू रही है। तो पहले तो यही हमें पता चल गया कि ये सिहद्दे क्यों होते हैं। दूसरा, आपको इसमें कई कलर दिखाई दे रहे होंगे, सामान्यतया जैसे ये ग्रीन कलर दिख रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कोई बाग भूमि है, जहाँ पर बाग लगा हुआ है। ये ब्राउन कलर दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इस जगह पर आबादी है। ग्रीन कलर से हमने बाग को दिखा दिया, ब्राउन कलर से हमने आबादी को दिखाया, और अब आप ये देखिए ये येलो कलर दिखाई दे रहा है। अगर येलो कलर दिखाई दे रहा है तो ये रास्ता है, रास्ता या चक मार्ग, सेक्टर मार्ग, उसको येलो कलर से शो किया गया है। ये आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, कोई जो वाटर बॉडी होती है जैसे नहर है, नाला है, तालाब है, उसको ब्लू कलर से शो किया जाता है। चक के बारे में अगर हम समझना चाहें कि चक का नक्शा कैसे बनता है या क्या है, तो थोड़ा सा समझें कि जैसे ये गाटा संख्या दे रखा है 328/1 जो कि मार्ग का है, 328/2, 329, तो और ये नीचे यहाँ रास्ता ऑलरेडी चल रहा है, तो इस पर जो हमने 796 चक ये बनाया, इसका मतलब ये गाटा संख्या 328/2 से ही इसको सारा रकवा दिया गया है, यानी कि चक संख्या 796 में जो भी रकवा प्रदिष्ट किया गया है वो गाटा संख्या 328/2 से दिया गया है। हो सकता है कि किसी चक में कई गाटों से रकवा दिया गया हो, उदाहरण के तौर पर हम लेंगे ये वाला चक है 637, इस चक में देखिए इस गाटा 279 से भी रकवा लिया गया है, 280 से भी रकवा लिया गया है, और यहाँ पे जो गाटा 284 है इससे भी दिया गया, यानी एक चक में हम कई गाटों से भी रकवा दे देते हैं और बाद में ये केवल एक गाटा रह जाएगा जब हम इसको फाइनल मैप बनाते हैं। चक का जब भूचित्र समझते हैं तो हमें दो चीज़ें और समझनी चाहिए, एक तो कुदान नंबर क्या है और दर बटा क्या है। कई बार क्या होता है कि जैसे जो नंबरिंग पड़ी होती है, जैसे 305 पड़ा हुआ है, इसके बाद 306 पड़ा होगा, जो भी नंबर पड़े होते हैं, अगर 305, 6, 7, 8 नंबर पड़े हैं, इसके बीच में 304 के बाद 306 नंबर आ रहा है, जबकि 305 नंबर एक नंबर कूद जाता है। कूदने का मतलब कि अगल बगल का जो नंबर है वो एक सीक्वेंस में नहीं रह जाता है। मान लीजिए ये 304 है, ये 305 है, बीच में मार्ग का नंबर आ गया, ये 306 है, मार्ग का नंबर 305 आ गया, ऐसी दशा में कुदान नंबर भी होते हैं। दर बटा क्या होता है, दर बटा मैं आपको बताऊं कि कभी कभी जब अभिलेख बनाए जाते हैं तो अभिलेख बनाए जाते समय कोई कोई नंबर छूट जाता है, और जब वो नंबर छूट जाता है तो जिस नंबर से खतौनी की जिस गाटे से वो नंबर बना होता है उस नंबर को ऊपर लिखते हैं, और बटा जो आखिरी नंबर यानी लास्ट के जो नंबर होते हैं उसको नीचे रखते हैं, ऐसे नंबर को दर बटा नंबर कहा जाता है।
दर बटा नंबर का मतलब जो नंबर अभिलेख बनाते समय किसी कारणवश छूट गया तो वो जिस गाटा संख्या छूटा होता है प्लस जो आखिरी गाटा संख्या आता है आपके 41 में, जो चकबंदी आकार पत्र 41 में, उसको दर बटा कहा जाता है। हालांकि ये गंभीर चीज़ें हैं, इनसे सामान्यतया कोई बहुत वास्ता नहीं होता है। इसी को अगर हम कहें कि आपको एरिया कैसे निकालना है तो हमारे पास गुनिया होगी, गुनिया नहीं, मान लीजिए चलिए गुनिया यहाँ पर नहीं है, कोई बात नहीं, तो हम आपको बताते हैं कि ये जो भुजाएं हैं इन भुजाओं को हम नापते हैं उसको गुनिया बोलते हैं। जैसे इसको हमने अगर नापा और ये 5 जरीब 20 कड़ी आ रहा है और इसको हमने नापा ये 5 जरीब आ रहा है, तो दोनों को हम योग कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हम लेकर के चलें कि इसको हम नाप लेते हैं, मान लीजिए कि ये आ गया 105 मीटर आ गया और इधर आ गया ये 101 मीटर आ गया, और इधर मान लीजिए आ गया 90 मीटर और इधर आ गया 88 मीटर, तो 105 और 101 इनका एवरेज आ जाएगा, यानी 206 का एवरेज 103, और इसी तरीके से 90 और 88 का एवरेज आ गया 89, और 103 को हम 89 से गुणा करेंगे जो भी आएगा 4 अंक में वो तो हो गया स्क्वायर मीटर में, और 3 अंक तक ये जो आएगा वो हमारा 0., मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारा आता है 850, मान लीजिए एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट हम कैलकुलेट करके करेंगे, 850.03 मान लें, तो ये 0.850 हेक्टेयर रकवा जो है इसका हो जाएगा। इस तरीके से हम गुनिया होती है, गुनिया से हम ये नाप सकते हैं, एक भुजा ये नाप ली, ये भुजा नाप ली, इसका एवरेज ले लिया, ये भुजा नाप ली और ये भुजा नाप ली, इसका एवरेज ले लिया, और उनको आपस में गुणा करके हम हेक्टेयर में रकवा निकाल सकते हैं अगर हमें भूचित्र से अपना रकवा ज्ञात करना है। अब हम चक के बारे में लोग समझना चाह रहे थे, तो ये चक बना हुआ है, ये सारे नंबर जो नए डाले गए हैं ये चक बने हुए हैं, आप देख रहे होंगे हर चक पे चक्रोड होगा और सब आपस में कहीं ना कहीं चक्रोड हर चक को दिया होगा। तो इसको हम समझें कि चक बनने के बाद, ये तो अभी ये नक्शा जो है वो ACO स्तर का है, यानी कि अभी इसमें कोई आपत्ति अपील कोई सुधार नहीं हुआ है। एक भूचित्र हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो जिसमें कुछ संशोधन हो गया हो। अब आप इस भूचित्र को देखिए, ये ACO स्तर पर बटने के बाद इसमें चकबंदी अधिकारी ने संशोधन कर दिए, और जो संशोधन चकबंदी अधिकारी ने किए वो देखिए उनको नीली लाइन से अलग दिखाया गया है। तो यानी ACO जो चक भूचित्र पे लाइन पड़ती है वो रेड कलर से होगा, रेड से नंबर होंगे। CO इसमें जो संशोधन करेंगे चक भूचित्र में उसको ब्लू कलर से दिखाया जाएगा, उसमें ब्लू नंबर होंगे। इसी तरीके से जब अपीलों में बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी इसको सुन लेंगे और अगर इसमें कोई परिवर्तन करते हैं तो वो ग्रीन कलर से दिखाया जाएगा और ग्रीन नंबर होंगे। अब अगर आप चक भूचित्र देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ACO ने किया था और इसके बाद CO ने ये ब्लू कलर से किया और इसके बाद SOC ने अपील में इसको ग्रीन कलर से किया है। जब SOC अपील का निस्तारण कर देते हैं उसके पश्चात एक कन्फर्म मैप बनता है साफ सुथरा, जो एकदम जिसमें अपील तक जो भी निर्णय हो गए होते हैं उसका अनुपालन करके भूचित्र बनाया जाता है। इसके बाद कब्जा परिवर्तन होता है और कब्जा परिवर्तन होने के बाद जो पैमाइश होती है, पैमाइश होने के बाद अगर कोई मुकदमा आता है तो उसको रिवीजन या निगरानी कहते हैं, जो DDC न्यायालय में सुना जाता है। चूंकि अब हमारा भूचित्र फ्रेश बन गया तो DDC जो संशोधन करते हैं वो भूचित्र पर फिर ब्लू कलर से अंकित किया जाता है, यानी ब्लू ही लाइन होंगी और ब्लू ही नंबर होंगे। इस प्रकार से अगर चक भूचित्र देखना है तो उसको कैसे देखेंगे, ACO स्तर पे रेड कलर रेड नंबर, CO स्तर पे ब्लू और SOC स्तर पर ग्रीन। और कैसे नंबर होते हैं, कुदान नंबर क्या होता है, कुदान नंबर का मतलब कि अगल बगल सेम नंबर ना होकर के बीच का नंबर जो है वो
एक नंबर कूद गया, मीन्स उसको कुदान नंबर कहते हैं। सीक्वेंस 304 5 की जगह 304 6 और फिर 5 आ रहा है, तो ऐसे में कुदान नंबर आ गया। ये होता है दरबटा कैसे बनता है, ये आपने देख लिया। तो भूचित्र, चक भूचित्र कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, सिहतें क्या है, कलर्स जो नक्शे पे होते हैं उनका क्या मतलब है। मेरा अनुमान है कि इससे आपको थोड़ा समझ में आया होगा, हालांकि थोड़ी गूढ़ चीजें हैं, परंतु अगर थोड़ा भी समझ में आया है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मैसेज बॉक्स पर डाल सकते हैं।